सर, एक बिल्डर ने आपके आरोप लगाया है जमीन कब्जाने की, क्या सच्चाई है? वो बिल्डर स्वयं जमीनों को कब्जा रहे हैं। जाट बाल्मीक समाज की जिन जमीनों को कब्जा है उसके मैंने प्रमाण दे दिए हैं। मैंने लीगल तरीके से सरकार का राजस्व देते हुए मैंने जमीन को खरीदा है। कितने में खरीदा, कितनी प्रॉपर्टी है, वो किसके नाम से है और किससे खरीदी आपने? मैंने राजवती नाम की महिला से खरीदी है और मैंने स्वयं रजिस्ट्री कराई है, मनोज गौतम के नाम से रजिस्ट्री। कीमत क्या है और कितना है, करीब जमीन कितनी है? जमीन 12 बीघे है। क्या कीमत? अब कीमत तो जिस टाइम मैंने खरीदी उस करीब 50 लाख का स्टाम्प लगा था, 3 करोड़ से ऊपर की मैंने जमीन खरीदी और वर्तमान में तो जिलाधिकारी के रेटों के अनुसार प्लस माइनस जमीन के रेट होते ही रहते। जब मैंने खरीदी है मुझे करीब 3 वर्ष हो गए। आपके साथ साथ सांसद जी पे भी आरोप लगा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। वो अपने भाई की तरह कुछ गलत व्यापारियों के साथ करना चाहते हैं ऐसा मुझे प्रतीत होता है। राजेश अग्रवाल, ये क्या करते हैं, कौन थे? राजेश अग्रवाल ने यहाँ एक कॉलोनी बनाई थी, वो भी पहले इन्हीं प्रवीण मंगला जी के साथ। कब बनाई थी? बहुत पुरानी बात है, प्रवीण मंगला जी के साथ वो जो उन्होंने डायरेक्टर थे। क्या नाम था कंपनी का? ग्लोबल नाम से कॉलोनी बनाई थी, तो उसमें जो गबन किया उस गबन का पैसा ओजोन में लगा है। व्यापारियों को पता ही नहीं कि वो पैसा ओजोन में लगा है। व्यापारियों को ये मैं अवगत कराऊंगा, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है किस तरीके से ये पैसा उसमें लगा। ये व्यापारियों को पता चलेगा तो प्रवीण मंगला उनके भाई हैं, उनसे पैसा वसूल करने का काम करेगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।